आप मतलब मेरे एक फ्रेंड सलमान है जो कि दुबई से आया, तो आज शायद मैं तुम्हें पिक नहीं कर सकूंगा, उसके साथ कैसे आऊंगा। मैं घर आ गई। क्यों, खैरियत इतनी जल्द? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आ गई। अच्छा, शाम को सलमान मेरे साथ घर आएगा तो प्लीज कुछ बना लेना। मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाहर से खाना ले आओ। आ गई जरीना। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। सोचा चलकर आपके और नवीद की खैरियत ही पूछ लूं। कैसा है नवीद? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। अरे भाई शगुफ्ता, जैसी लड़की तुम चाहती थी ना वैसी लड़की मिल गई है। देखो अच्छा देखा। जरीना ये तो बहुत। अरे भाई तो क्या हुआ, तुम्हें ही अमीर कभी लड़की चाहिए थी? शुक्ता पता है 5 भाइयों की इकलौती बहन है और 5 भाई अमेरिका में सेट हैं। कह रहे थे जहेज में घर गाड़ी सब कुछ देंगे और तो खूब सारा जेवर डालेंगे। वो तो ठीक है लेकिन। अरे भाई छोड़ो भी मोटापे का, डाइटिंग करवाना, खूब फाके करवाना, खुद ही कुछ दिन में दुबली पतली हो जाएगी। चलो देखते हैं। हाँ मुझे पता था कि तुम्हें ये रिश्ता जरूर पसंद आएगा। अच्छा चलो भाई मैं तो चलती हूँ, शाम को चलेंगे चलकर लड़की देखेंगे। चलो चलते हैं। ठीक है ठीक है। जॉब करूंगी, गाड़ी लूंगी और इन सबको नीचा दिखाऊंगी, मुझे देख के बात करना। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है मिसा नाम। जी मैं हमेशा पोजीशन होल्डर रही हूँ। गुड, बट मैंने ये देखा है कि आपने एमएससी अभी कंप्लीट नहीं किया। मेरी प्रिपरेशन मुकम्मल है, 2 महीने बाद एग्जाम्स है, मैं कर लूंगी। अर्जेंटली तो हमें एक टीचर की रिक्वायरमेंट है बट क्लास 1 के लिए। क्लास 1 तो बहुत छोटी क्लास है जी, सिर्फ यही वैकेंसी है। अगर आप छोटे बच्चों को हैंडल कर सकती हैं तो ओके। फिर आप क्या कहती हैं? अब ठीक है मैम, मैं कर लूंगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। 25,000 आपकी सैलरी होगी। आपको पता है 3 मंथ प्रोबेशनरी पीरियड होता है और अगर आपका काम अच्छा लगा तो देन आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।